द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्लेयरों को ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, प्लेयरों का काम है खेलना, लेकिन जब खेल छूट जाती है तो फिर सिर्फ बोलना ही रह जाता है। तो आज मेरे पास मौका मिला कि इस जगह पर आया आपके बीच में, पहले धन्यवाद कहना चाहता हूँ और मुबारकबाद देना चाहता हूँ आरसीए को, क्योंकि उन्होंने ये लीग शुरू की है। आरपीएल बाद में आता, आरसीएल पहले आता है, और आपकी सोच की दाद देता हूं एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्समैन। जब इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, जब इस तरह के टूर्नामेंट किए जाते हैं और बच्चों को मौका मिलता है अपना टैलेंट, अपना हुनर दिखाने का, तो मैं प्लेयरों की तरफ से कह सकता हूं धन्यवाद, शुक्रिया। कोई भी आदमी जब बड़ा बनता है उसको एक फैसिलिटीज चाहिए, अगर फैसिलिटीज क्रिएट कर दी है तो फिर वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो या स्टूडेंट हो। अच्छी यूनिवर्सिटी होगा, अच्छा स्कूल होगा तो स्टूडेंट आएंगे। आपकी फैसिलिटीज बेटर होंगी राजस्थान में, या मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान में, इसीलिए क्रिकेट एक अलग लेवल पे पहुंच गया है। जब मैं खेला करता था मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि क्रिकेट इस स्तर पर पहुंच जाएगा। उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलवेज मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारी जो नई जनरेशन है ये अपनी जिंदगी बना सकते हैं। आज क्रिकेट के थ्रू, क्रिकेट के द्वारा मानो कितने लोगों को जॉब मिल रही है। एक कंट्री का सबसे बड़ा देन ये होता है कि आने वाली जनरेशन क्या अपनी जिंदगी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और मैं कोशिश करूंगा कि ये जो लीग है शायद हिंदुस्तान नहीं दुनिया में सबसे बेहतर हो। और अगर अगर चैलेंज लेना है तो दुनिया में सबसे बेहतर होके दिखाना है, नंबर दो की कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी काम करते हैं, उनसे सबको मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, और ये भी कहता हूं कि आपके कंधों पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इन नौजवानों का भविष्य आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी बेहतरी से ये टूर्नामेंट चलाएं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके बीच में आके ब्रांड एम्बेसडर बन सकूं। दोनों को, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन एंड आरपीएल को बहुत बहुत मुबारकें। ये पहला कदम है, और पहला कदम खूबसूरत है तो जर्नी बहुत बढ़िया होगी। हमेशा ये याद रखना है कि हमने पहुंचना कहाँ है। आज शुरुआत है लेकिन इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होगी समय पे आने पर। आप सबको मुबारक, एंड आप पब्लिक जितने भी लोग आए हैं, इंजॉय द स्पोर्ट्स, खेल को इंजॉय करने आओ। जब आप इंजॉय करेंगे मजा उसी में है। वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद आप सबको।